आज का मैच तो हमें देखा, बहुत टफ मैच था। इंडिया के पास रन कम था, लेकिन इंडिया ने लास्ट ओवर तक गेम को लेके गया, तो गेम के बारे में आपका क्या कहेंगे? स्कोर हमारे इंडिया ने कम बनाए, बट उन्होंने टफ उनको दिया है टारगेट, वेदर कंडीशन के हिसाब से और सीपर के हिसाब से ठंड में उनको भी टफ टाइम दिया है, ऐसी कोई बात है। बट हमारा जो मेन मैच फंसा है वो जो पांड्या के ओवर में 16 रन उसने दे दिए, उसके कारण कैच ड्रॉप होते हैं। बट जब T20 में आप एक ओवर में इतने रन खा लोगे ना, तो आपका जो मैच ना दूसरी साइड पे चला जाता है। तो आपको लगता है कि विराट कोहली का जो कैच ड्रॉप हुआ वो टर्निंग पॉइंट नहीं था इस मैच का? वो टर्निंग पॉइंट बनता, बट अगर आप कैच की जगह स्कोर को कंट्रोल करोगे तो मैच आपके हाथ में रहेगा। दिस इज अ T20 गेम। और सूर्या के नॉक के बारे में बताइए, जैसे इंडिया स्ट्रगलिंग एट पॉइंट, वहां से सूर्या ने पूरे गेम को चेंज किया, तो ऐसे कंडीशन में उनका नॉक कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा उसने बैटिंग किया है सूर्या कुमार यादव ने, और हम चाहते हैं कि वो अपना डाउन थोड़ा अप करे, फर्स्ट और सेकंड राउंड पे आए, जिसके अगर उनको और मौका मिले और जितना कम टारगेट हम इसने इस मैच में दिया, नेक्स्ट टाइम हम और बढ़िया टारगेट दे सके। डिपेंड करता है कि भाई जो कौन सा बॉलर कौन सी टीम है, बट अगर आप यंगस्टर को और मौका दोगे तो हमारी टीम को अच्छा स्कोर टारगेट देने में थोड़े हेल्प मिलेंगे। तो अभी तक हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन दो मैच हमारे पास अभी भी है सर, वो क्वालिफाई हम कर जाएंगे। जो मेन हमारा टारगेट है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर से मैच जीते और अच्छी रन रेट से आगे जाए। हमारा जो मैच जो हमारे आगे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में जाएंगे वो हमारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हमारा टफ कंपटीशन होगा, बाकी आई डोंट थिंक हमें किसी से डरने की जरूरत। और फाइनली पाकिस्तानी आज बहुत सारे जो दर्शक जा रहे थे भाई, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड लगे। हाँ जी हाँ जी, वो हमारे भाई हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे बीच में बस ये है कि हम स्पोर्ट स्पिरिट है हमारे में आपस में। थैंक यू हैं वो, बिकॉज भी अगर इंडिया जाए जीत जाता तो उनके चांस सेमीफाइनल में थे, अगर वो हार गए हैं तो उनके चांस बहुत बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं सेमीफाइनल में, तो उनके लिए इसलिए बहुत झटका लगा उनको। थैंक यू